हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे लहसुन साबुत धनिया की चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए गैस पर हमने बर्तन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 30 से 35 लहसुन की कलियां, 3 चम्मच साबुत धनिया और 7 से 8 लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसे लगातार चलाते रहेंगे, गैस मीडियम कर देंगे और इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे। लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो देखिए अब ये सुनहरा हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसे पीसने के लिए अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम इसे डाल देंगे। इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए इसे हमने पीस लिया है। अगर आपको इसे पीसने के वक्त पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी डालकर पीस सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे आप फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सरसों तेल। इसमें सरसों तेल ही डालें, इसे मिला देंगे। तो अब साबुत धनिया लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।